আত্মীয় ভাই বন্ধু এর পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা। সাথীয়, শেখ হাসিনা জি নে মুঝে ইস ঐতিহাসিক সমারোহ কা হিসা বানানে কে লিয়ে ব্যক্তিগত তৌর পর নিমন্ত্রণ দিয়া থা, লেকিন করোনা ভাইরাস কি ওজহ সে ইয়ে সম্ভব নহি হো পায়া। ফির শেখ হাসিনা জি নে মুঝে এক অর বিকল্প দিয়া আর ইসলিয়ে ভিডিও কে মাধ্যম সে আপকে বীচ আনে কা মুঝে অবসর মিলা হ্যায়। সাথিও, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পিছলি সদি কে মহান ব্যক্তিত্ব মে এক থে। উনকা পুরা জীবন হাম সভি কে লিয়ে বহুত বড়ি প্রেরণা হ্যায়। বঙ্গবন্ধু ইয়ানে আ লিডার অফ করেজ, এ ম্যান অফ কনভিকশন, এ সেজ অফ পিস, এ চ্যাম্পিয়ন অফ জাস্টিস, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ডিগনিটি, এ হ্যান্ড অফ ডিফায়েন্স অগেইনস্ট ব্রুটালিটি অ্যান্ড এ শিল্ড অগেইনস্ট কোয়ার্সন। উনকে ব্যক্তিত্ব কি ইন খুবিও নে উস দৌর মে লাখো লাখো যুবাও কো বাংলাদেশ কি মুক্তি কে লিয়ে হর চুনৌতি কা মুকাবলা করনে কে লিয়ে এক নই ঊর্জা দি থি। আজ মুঝে বহুত খুশি হতি হব দেখতা হুম কি বাংলাদেশ কে লোক কিস তরহ দিন রাত আপনে প্যারে দেশ কো শেখ মুজিবুর রহমান কে সপনো কা সোনার বাংলা, সোনার বাংলা বানানে মে জুটে হুয়ে হ্যায়। সাথিও, বঙ্গবন্ধু কা জীবন আজ কে বৈশ্বিক মাহোল মে 21বিং সদি কি দুনিয়া কে লিয়ে ভি এক বহুত বড়া সন্দেশ দেতা হ্যায়। ইয়াদ কিজিয়ে, এক দমনকারী অত্যাচারী শাসন নে লোকতান্ত্রিক মূল্যো কো নকারনে বালি ব্যবস্থা নে কিস তরহ বাংলা ভূমি কে সাথ অন্যায় কিয়া, উসকে লোগো কো তবাহ কিয়া। সারি দুনিয়া হাম সভি ভলি ভাতি ইন বাতো কো জানতে হ্যায়, উসকি পীড়া উসকা দর্দ মহসুস করতে হ্যায়। উস দৌর মে জো তবাহি মচাই গই থি, জো জেনোসাইড হুয়া, উসসে বাংলাদেশ কো বাহার নিকালনে কে লিয়ে এক পজিটিভ অর প্রোগ্রেসিভ সোসাইটি কে নির্মাণ কে লিয়ে উনোনে আপনা পল পল সমর্পিত কর দিয়া থা। উনকা স্পষ্ট মত থা কি কিসি ভি দেশ কি প্রগতি কা আধার নফরত অর নেগেটিভিটি নহি হো সকতি, লেকিন উনকে ইহি বিচার, ইহি প্রয়াস কুছ লোগো কো পসন্দ নহি আয়ে অর উনকো হামসে ছিন লিয়া গয়া।
ये बांग्लादेश और हम सभी का सौभाग्य ही था कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और शेख रहना जी, उन पर ऊपर वाले का रहम रहा, वरना हिंसा और घृणा के समर्थकों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। आतंक और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाना, कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को तबाह कर देता है, ये हम भली भांति देख रहे हैं। आतंक और हिंसा के वो समर्थक आज कहां है, किस हाल में है, और दूसरी तरफ ये हमारा बांग्लादेश किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। साथियों, बंग बंधु की प्रेरणा से और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश आज जिस प्रकार इंक्लूसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रहा है, वो वाकई सच्चे अर्थ में प्रशंसनीय है। इकोनॉमी हो और सोशल इंडाइसिस हो या फिर स्पोर्ट्स, आज बांग्लादेश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, ऐसे अनेक क्षेत्रों में बांग्लादेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बीते 5-6 वर्षों में भारत और बांग्लादेश ने आपसी रिश्तों का भी सोनाली अध्याय गढ़ा है, अपनी पार्टनरशिप को नई दिशा दी है, नए आयाम दिए हैं। ये हम दोनों देशों में बढ़ता हुआ विश्वास है, जिसके कारण हम दशकों से चले आ रहे लैंड बाउंड्री, मैरिटाइम बाउंड्री, इससे जुड़े कॉम्प्लेक्स मुद्दों को शांति से, पूरी तरह शांति से सुलझाने में सफल रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश आज साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भी है। भारत में बनी बिजली से बांग्लादेश के लाखों घर और फैक्ट्रियां रोशन हो रही है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से एक नया डायमेंशन हमारे रिश्तों में जुड़ा है। रोड हो, रेल हो, एयर हो, वाटरवे हो या इंटरनेट, ऐसे अनेक सेक्टर्स में हमारा सहयोग हम दोनों देशों के नागरिकों को और भी ज्यादा कनेक्ट कर रहा है। साथियों, हमारी विरासत टैगोर की है। काजी नजरुल इस्लाम, उस्ताद अलाउद्दीन खान, लालन शाह, जीवानंदा दास और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे मनीषियों की है। इस विरासत को बंग बंधु की प्रेरणा, उनकी लिगेसी ने और व्यापकता दी है। उनके आदर्श, उनके मूल्यों से भारत भूमि हमेशा से जुड़ी रही है।
भारत और बांग्लादेश के आत्मीय संबंध इस साझा विरासत की मजबूत नींव पर ही गढ़े गए हैं। हमारी यही विरासत, हमारे आत्मीय संबंध बंगबंधु का दिया मार्ग इस दशक में भी दोनों देशों की पार्टनरशिप, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मजबूत आधार है। अगले वर्ष बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष होंगे और उससे अगले वर्ष यानी 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये दोनों पड़ाव भारत बांग्लादेश के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के साथ ही दोनों देशों की मित्रता को भी नई बुलंदी देंगे। एक बार फिर पूरे बांग्लादेश को बंगबंधु शताब्दी वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय बांग्ला, जय हिंद। स्वाधीन बांग्लादेश के प्रथम स्वीकृति दानकारी देश भूटानेर माननीय प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग। अस्सलाम वालेकुम। आई हैव द ऑनर टू कन्वे लॉट्स ऑफ लव एंड वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय किंग ऑन दिस जॉयस ओकेजन। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। एज वी ऑल नो, Bangladesh has achieved unprecedented success under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. If Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was alive today, he would be proud to see his legacy being carried forward by his passionate daughter. On this joyous occasion, we all would like to congratulate and wish